हेलो, नमस्कार दोस्तों। 12 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो आज आर्टिकल आया हुआ है एक सीरिया के बारे में कि भाई सीरिया के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है गोटा सिटी। तो इसके बारे में है कि यहाँ पे चाहे आप देख सकते हो कि यूएसए है वो भी लगातार आक्रमण कर रहा है। देखो तो रसिया है वो भी सामने आ रहा है, ईरान भी आ रहा है, टर्की आ रहा है। तो मतलब काफ़ी सारे कंट्रीज हैं यहाँ पे आईएसआईएस के खिलाफ सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से हालात ये हो रखे हैं कि सीरिया में ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है वो भी लगातार बढ़ रहा है। और देखा जाए तो चाइल्ड राइट है उसके प्रति भी काफ़ी सारी आजकल हम न्यूज़ वगैरह में मीडिया वगैरह में देखते हैं कि भाई सीरिया में जो चाइल्ड है उनकी भी काफ़ी डेथ वगैरह हो रही है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए कोई स्टेप है वहाँ पे नहीं उठाए जा रहे हैं। तो उन सब पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो एक तो देखो मैं यहाँ पे यूपीएससी जो पूछ सकती है वो प्रीलिम्स के नज़र से वो पूछ सकती है गोटा और सिटी वगैरह के बारे में। तो ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान रखनी है कि गोटा सिटी वगैरह कहाँ की है, क्योंकि कई बार जो यूपीएससी जो फेमस सिटीज़ होती हैं उनके बारे में एज द फुलंग वगैरह पूछ लेती है। इसी के साथ हम मैप में लोकेशन में देखते हैं कि कौन कौन सी सीरिया की पड़ोसी कंट्रीज हैं। जैसे कि टर्की है वो नॉर्थ में सीरिया की पड़ोसी कंट्री है, इसके साथ ही साउथ में है नॉर्थ साउथ के अंदर देखा जाए तो जॉर्डन है, इधर देखा जाए तो इसराइल का भी थोड़ा बॉर्डर है वो टच करता है, यहाँ पे लेबनान है, और उसके बाद में देखा जाए तो यहाँ पे इराक है और ये मेडिटेरेनियन सी को फेस करती है। तो ये थोड़ी बेसिक लोकेशन थी और यहाँ पे काफ़ी बार हमने डिस्कस भी कैसे अलेप्पो है वो भी यहीं की सिटी है, राका सिटी है जहाँ पे आईएसआईएस का कब्जा था। अब तो खैर वहाँ से हटा लिया गया आईएसआईएस को। इसका देखा जाए तो हमास भी था यहाँ पे था, और जो और हमने डिस्कस किया कि गोटा सिटी के बारे में वो भी यहाँ पे। तो जो बेसिक चीज़ थी वो हमने मेनली देख ली, बट आर्टिकल में इसी चीज़ पर फोकस किया गया है कि भाई ह्यूमन राइट का जो वायलेशन यहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा है, चिल्ड्रंस राइट है उनकी कोई बात ही नहीं की जा रही, और पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं बट आज सारे इंस्टीट्यूट हैं वो चुप बैठे हैं। क्यों? सीरिया में इस तरीके के अटैक होते जा रहे हैं, काफ़ी टाइम से वहाँ पे सिविल वार है हो रखा है, और जो एक तरीके से सीरिया है उसका ग्राउंड वो बैटल वार की तरह कन्वर्ट हो चुका है। मतलब यहाँ पे कंट्रीज आती हैं लड़ाई कर रही हैं फिर वापस जा रही हैं, ये सीन यहाँ पे हो रखा है। काफ़ी सारा लॉस हो चुका है, इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट ध्वस्त हो चुकी है। इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया। तो बेसिक पॉइंट थे जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सबको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो मैंने लिया है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और यूएसए के बारे में कि भाई नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का क्या सीन चल रहा है और यूएसए के आजकल क्या है उसके बारे में आर्टिकल है। तो इससे इसका सबसे बड़ा फायदा तो होगा कि भारत देश का जो पूरे वर्ल्ड का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके बारे में पॉइंट्स यूज हो सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या सीन चल रहा है। क्योंकि देखो पूरे वर्ल्ड में अभी काफ़ी तल्खी मची हुई थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पता आपको जो डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रहे थे उनके जो तानाशाह किम जोंग, और पूरे विश्व में माहौल वो खराब हो रखा था। तो अभी देखो बात ऐसी है कि विंटर ओलंपिक्स चल रहे थे, इस विंटर ओलंपिक्स के दौरान नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ने क्या किया, अपनी मिला के ज्वाइंट टीम है वो लॉन्च की थी। मतलब दोनों ने अपनी एक टीम बनाई, उस टीम को उन्होंने ओलंपिक में इन्वाइट है वो ओलंपिक में लॉन्च किया था। इसके बाद सीन ये हुआ कि धीरे धीरे साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया से बातचीत वगैरह के थोड़ा रास्ता से निकाला, और अब रास्ता ये निकला है कि नॉर्थ कोरिया है वो यूएसए से बातचीत के लिए तैयार है, और उसने इन्विटेशन भी भेजा है यूएसए को कि भी हाँ हम बातचीत के लिए तैयार है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन या कोई लिमिट वगैरह के। और इसी के साथ यूएसए है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो गया कि हाँ भाई हम भी बातचीत करने के लिए तैयार है। मतलब बात यह है कि पूरे विश्व में शांति की तरफ उम्मीदें वो बढ़ रही हैं। अगर देखा जाए तो कोरियन पेनिनसुला में फिर शांति है वो बहाल हो सकती है, और जिसका फायदा ये होगा कि पूरे वर्ल्ड में जो टेंशन है जो हालात खराब हो रखे हैं उन सब पे लिमिट है वो लगेगी। तो उन सब पॉइंट्स को यहाँ पे एक एक करके डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसए और साउथ कोरिया की। देखो यूएसए और साउथ कोरिया की बातचीत ऐसी है कि सॉरी यूएसए और नॉर्थ कोरिया की, यूएसए है वो नॉर्थ कोरिया की जैसे अभी बताया कि तैयार हो गया डील है वो बातचीत की हो गई है, अब बातचीत वो आगे की जाएगी। सबसे बड़ा फोकस आएगा वो आगे न्यूक्लियर ड्यूल पे। देखो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि नॉर्थ कोरिया वो लगातार न्यूक्लियर परीक्षण वो कर रहा था, और उस चीज को लेकर बाकी काफी सारी कंट्रीज को आरोप थे, और यूएसए ने कहा था कि हम आप सैंक्शन वगैरह लगाएंगे, और काफी सारे सैंक्शन वो लगाए भी थे। बट आर्टिकल कह रहे कि देखो सैंक्शन का कोई इतना रिजल्ट हुआ नहीं था, तो अब सोल्यूशन ओरियंटेड जो बातचीत है वो करनी होगी, और यूएसए को काफी सोच समझ के बातचीत करनी है। यहाँ पे राइटर का ऐसा कहना है कि देखो ऐसा नहीं कि यूएसए को सारी बातें जो किम जोंग है उनकी मान लेनी चाहिए, क्योंकि किम जोंग का कोई भरोसा करना सुनिश्चित नहीं है। इसलिए यूएसए को अपनी बातचीत है वो एक तरीके से बैलेंस अप्रोच में लेके आनी है। ऐसा नहीं कि सारी बातें जो नॉर्थ कोरिया कर रहे हैं उनको हाँ में हाँ यूएसए वो भरता रहे। यूएसए को भी बहुत सारे पॉइंट्स उनको देखना होगा, क्योंकि जो बैकग्राउंड का जो कार्य है वो हमें बहुत जरूरी होता है। बैकग्राउंड वर्क का मतलब यहाँ पे है कि पीछे की हिस्ट्री भी हमें देखनी होगी कि भाई किम जोंग ने किस तरीके का काम किया है, पीछे कैसे काम हो रहे थे। इसके अलावा यूएसए को ये भी देखना होगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो बातचीत के द्वारा केवल वो सारी कंडीशन है वो नॉर्थ कोरिया की मान ले, और नॉर्थ कोरिया को भी ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि भाई उसको सिक्योरिटी वगैरह ना मिले। तो मतलब दोनों के जो मुद्दे हैं उनको फोकस करते हुए काम है वो लेके आना होगा। इसके बाद में बात ये आती है कि एक थर्ड जो मिसाइल सिस्टम है उसके बारे में। देखो सीन ऐसा है कि
यूएसए ने एक थर्ड डिफेंस सिस्टम है, उसको एक्चुअली मतलब एंटी डिफेंस सिस्टम है। इसका काम मेनली होता है कि जब भी कोई अटैक वगैरह होता है तो उसको काउंटर करने के लिए। और ये थर्ड जो न्यूक्लियर सिस्टम है ये मेनली यूएस ने लगा रखा है, वो लगा रखा है साउथ कोरिया में। तो इसकी वजह से चाइना को भी इश्यू है कि भाई हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, और इसकी वजह से इश्यू है वो नॉर्थ कोरिया को भी है। तो अभी राइटर ये कह रहे हैं कि देखो थर्ड जो न्यूक्लियर सिस्टम है इसके बारे में भी बातचीत की जाएगी, और इसका भी जो है जो नॉर्थ कोरिया को इसका डर है वो भी दूर करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखो नॉर्थ कोरिया का बार बार एक ही बयान आता है कि भाई हम यूएसए पे भरोसा नहीं कर सकते कि यूएसए है वो लगातार साउथ कोरिया के साथ काफी एक्सरसाइज है वो कर रहा है, युद्धाभ्यास है वो लगातार जारी है उनके। तो इसको उसे लगता है कि यार मेरी सिक्योरिटी खतरे में, और इसलिए वो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए क्या करता है, बार बार न्यूक्लियर परीक्षण वो कर रहा है। तो इसकी वजह से आरटीए कह रहे हैं कि देखो नॉर्थ कोरिया ने ऐसा भी कहा है, जो किम जोंग उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई अगर बातचीत ढंग से सक्सेसफुल रही तो हम जो हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन है उनको इससे खत्म कर देंगे, मतलब डी न्यूक्लियराइजेशन है उस पर फोकस करेंगे। तो आरटीए कह रहे हैं कि बिल्कुल अच्छी बात है ताकि पूरे विश्व में शांति आएगी, बट यहाँ पे यूएसए को बहुत सोच समझ के चलना है। कहीं ऐसा नहीं है कि यूएसए सारी बातें मान ले कि हाँ यार नॉर्थ कोरिया है वो कह रहा है वैसा वैसा काम करेगा। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के आपको पता है कि जो तानाशाह है किम जोंग, उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी कोई बात कहते हैं कभी कोई बात कहते हैं, इसलिए उनकी बात का एक से काफी बैलेंस अप्रोच लेके आनी है। उनकी एक सारी बात ही वो नहीं माननी है, वहां पे जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उनको रखना है। इसके बाद में बात ये आती है कि देखो चाइना का क्या रोल है। बात ऐसी कि चाइना का अहम रोल है अगर नॉर्थ कोरिया में शांति लानी है। क्योंकि देखो नॉर्थ कोरिया में शांति लाने की सबसे बड़ी बात है, अगर नॉर्थ कोरिया पे थोड़ा दबाव भी होना चाहिए। दबाव इसलिए होना चाहिए, अगर नॉर्थ कोरिया पे दबाव नहीं होगा तो फिर वो अपनी मनमर्जी करने लग जाएगा, और फिर वो अपने आप को क्या के ज्यादा फैलाएगा। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर को एक्चुअली ज्यादा ऑटोनॉमी मिल गई थी, और हिटलर ने उसका मिस यूज किया था और पूरे विश्व को परेशान, पूरे विश्व को मतलब यहाँ पे यूरोप को परेशान किया था। तो उसी प्रकार बात यह आती है कि चाइना का साथ बहुत जरूरी हो गया यहाँ पे। चाइना का साथ इसलिए जरूरी होगा क्योंकि देखो सीन पहले से क्या होता था, पहले ये सीन होता था कि यूएसए है वो सेंक्शन लगाता था नॉर्थ कोरिया पे, बट चाइना क्या करता था, उस सेंक्शन को फॉलो नहीं करता था। मतलब चाइना है वो नॉर्थ कोरिया के साथ है डील करता था, उनको वेपन्स वगैरह या जो भी खाने पीने की चीज़ें वो सप्लाई वगैरह करता रहता था। इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया में कोई भी क्या है, अगर जैसे कोई भी सेंक्शन लगाया गया उसका कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को पता होता था कि हाँ भाई यूएसए तो हमारे ऊपर सेंक्शन लगा रहा है, बट चाइना तो हमारा साथ ही है, वो तो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारे पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता था और मामला आगे रहता था। तो यहीं पर राइटर भी ये कह रहे हैं कि देखो चाइना का साथ बहुत जरूरी है, यूएसए को चाइना को साथ लेकर चलना चाहिए ताकि वहाँ पर शांति बहाल हो सके, और जो जो भी मतलब समझौता है वो आपस में किया जा सके। इसके बाद में बात आती है कि यूएसए को वो सिक्योरिटी पे भी फोकस करना होगा। ऐसा नहीं कि यूएसए अपनी सारी जो आर्मी वगैरह है वो साउथ कोरिया वगैरह से वहाँ से सडनली हटा ले, और फिर वहाँ पे नॉर्थ कोरिया वो अपनी मनमर्जी करने लग जाए। काफ़ी सारी बातें होनी चाहिए, लिमिट्स वगैरह टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्टली इस तरीके से हटा लिया गया तो वो अफगानिस्तान वाला सीन हो जाएगा। जैसे कि यूएसए ने एक बार कहा था कि भाई हम अफगान से हमारी सेना हटा रहे हैं, अगर अफगान से उन्होंने अपनी सारी सेना हटा ली एक साथ तो फिर वहाँ पे जो आप बोल सकते हो तालिबान का पूरा रूल हो जाएगा, उसी तरीके से वहाँ पे नॉर्थ कोरिया वो अपनी मनमर्जी करते हुए ज़्यादा नुकसान हो कर सकता है। तो इसलिए बात यहाँ पे मेनली ये सामने आती है कि नॉर्थ कोरिया के भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी हमें बातचीत के अगर रास्ते सामने खुले हैं तो उनको मना नहीं करना चाहिए, और उसके ऊपर फोकस हमें लगातार करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स इस आर्टिकल में यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में। देखो इस आर्टिकल को हमने 9 मार्च को डिस्कस किया था और काफी सारे अच्छे से उसको वहाँ पे डिस्कस किया था, तो सेम वही पॉइंट है, बस एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा किया गया है, वो मैं आपको एक बार थोड़ा बता देता हूँ कि आंध्र प्रदेश है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट की मांग वो बार बार कर रहा था। तो अभी जो वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मुद्दा उठता कब से है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मुद्दा है ना, वो पांचवा जो फाइनेंस कमीशन आया था उसमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा लाया गया था। ये मेनली उस टाइम पे इसलिए लाया गया था कि भाई देखो आजादी हुई थी और थोड़ा टाइम हुआ था और हालात उस टाइम पे ऐसे थे कि हमारे जो वार थे वो एक्चुअली उस टाइम पे चाइना के साथ भी वार हो रहा था देखा जाए तो, और उधर देखा पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर वो भी काफी खतरे में था। मतलब सीन ऐसा है कि उस टाइम पे हमारे देश की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो कुछ ऐसे स्टेट थे नॉर्थ ईस्ट के भी और इवन जम्मू एंड कश्मीर वाले कुछ स्टेट की जहाँ पे हालात अच्छे नहीं होने की वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं हो रहा था। मतलब जो स्टेट है वो अपने आप को ढंग से रिकवर नहीं कर पा रहे थे, उनका जितना रिजल्ट आना चाहिए था आउटपुट वो नहीं आ रहा था। इसीलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात आई कि भाई जो कुछ ऐसे स्टेट है ना जो कि इकोनॉमिक रूप से पिछड़े हुए हैं या फिर काफी हिली एरिया है वहाँ पे या फिर वहाँ पे काफी ट्रैवल रहती हैं, मतलब जो ये जो स्टेट नॉर्मल स्टेट की वजह अगर पिछड़े हुए हैं तो वहां पे क्या करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा उनको एक्स्ट्रा पैसा देगी और थोड़ा उनको जैसे टैक्स वगैरह में छूट दे दे। मतलब सीधी सी बात है कि उनके पास थोड़ा पैसा वगैरह ठीक रहे और उनको थोड़ी ऑटोनॉमी मिले तो वो ढंग से अपने आप को डेवलप कर सके। तो इसीलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का बात मुद्दा है वो सामने आया था, पांचवें फाइनेंस कमीशन में इसके बारे में बातचीत है वो की गई थी। अब देखो जो बात ऐसी है इसको खत्म क्यों गया, इसको खत्म इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे देश का जो 14th फाइनेंस कमीशन है ना जो अभी रिसेंटली चला था, इसने ये कहा कि भाई बात ऐसी है आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का
इसका जो है इस मुद्दे को खत्म कर दो और इसका नया सिस्टम ये लेके आओ कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ये तो होता है ना कि स्टेट को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, जो ऑटोनोमी मिल जाती है, तो वही काम आप डायरेक्टली कर दो कि भाई जितने भी स्टेट हैं, देखो पहले ही होता था कि जो स्टेट होते हैं ना उनको सेंट्रल का जो टैक्स होता है ना, उस सेंट्रल टैक्स में से 32% पैसा मिलता था सभी स्टेट को, और अभी ऐसा कर दिया गया कि भाई जो स्टेट को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 42%। मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का कोई फायदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो पैसा है तो मिलना होता है इनडायरेक्टली, वो पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट देने के लिए तैयार है, तो फिर क्यों फायदा रहा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का, फालतू एक टैग लग जाएगा, टैग का कोई बेनिफिट रहेगा नहीं। तो उसी चीज को लेके यहाँ पे जो 40 फाइनेंस कमिश्नर, उसने ये कहा था कि भाई ठीक है आप जो स्टेट की जो दायरा है, लिमिट है, वो बढ़ा दीजिए, उसको 42% कर दीजिए, ताकि वहां पे ढंग से काम वाम हो सके और जो पैसा उनको ज्यादा मिलेगा तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात का मुद्दा ही नहीं रहेगा और सभी स्टेट्स को पैसा खूब मिलेगा, तो कोई समस्या है वो रहेगी नहीं। बट आंध्र प्रदेश ने कहा कि भाई देखो हमारे हमको एक्चुअली पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरीके से हमें वादा किया था कि हम आपको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देंगे, तो आपको स्टेटस वो देना होगा, क्योंकि अब हमारी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारे देश में नहीं, मतलब आंध्र प्रदेश स्टेट में क्या है, जो एक तरीके से काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है वो बन गया है कि भाई लोगों की भावनाएं जुड़ गई हैं कि यार हमें स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिलना था पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया नहीं, तो वो सारी यहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह चल रही है। बट जो हमारे लिए मेन का जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि सारा सीन है क्या। अगर आपको फिर भी इस आर्टिकल अच्छे से रिवाइज करना है तो 9 मार्च को जो हमने किया था वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो ही डिस्कस किए गए हैं। इसके बाद में देखते हैं हम अगला जीरिया वाला आर्टिकल, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया सबसे पहले। इसके बाद में एक आर्टिकल आया है वो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली लव जिहाद का एक केस था उसके बारे में एक दो पॉइंट रिपोर्ट है, इतना खास आर्टिकल है नहीं सच बताऊं तो। ये इसमें मेनली केस ये था कि केरल के अंदर एक लड़की थी जिसको एक्चुअली उसने एक्चुअली मुस्लिम धर्म है वो कबूल कर लिया था और उसकी शादी कर ली, तो उसके बाद उसके पेरेंट्स वगैरह ने आरोप लगाया कि भाई उसका ब्रेन वॉश किया गया है और उसकी वजह से उसको मतलब उसको मैनिपुलेट वगैरह किया गया, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे सामने थे और उस मुद्दे को लव जिहाद के एंगल से जोड़ा गया था। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये कहा है कि भाई देखो हर इंडिविजुअल का राइट है, वो अपने आप को किसी को भी चॉइस कर सकता है और किसी के साथ भी शादी करता है, मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस का मुद्दा यहाँ पे किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले अभी फंडामेंटल राइट भी घोषित किया था कि राइट टू प्राइवेसी वो फंडामेंटल राइट है और सभी की अपनी अपनी इच्छा होती है कि वो किसी भी के साथ शादी वगैरह कर सकते हैं, उसकी एज 18 साल से ऊपर है, तो इसलिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठता कि उसका ब्रेन वॉश वगैरह टीसी किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्सनल राइट है, जो इंडिविजुअल राइट है, उसको यहाँ पे तवज्जो दी है, तो उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल है, क्वेश्चन बन जाता है छोटा सा कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है और जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने तवज्जो दी है, इसका सारा मुद्दा यहाँ पे था। तो वो सारे एक दो पॉइंट्स है जो हमने आपको यहाँ पे बता दी, बाकी बेसिक इस आर्टिकल में कुछ था नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो एक आर्टिकल छोटा सा और था वो था कि अभी हमारे देश के अंदर एक थोड़ी सी रिपोर्ट के अंदर थोड़ा सा डाटा है, वो ये है कि हमारे देश में जो मैगजीन्स है ना कि जिनके द्वारा काफ़ी हिंसा वगैरह फैलाई जाती है, मतलब ऐसी जो मैगजीन्स जिनके द्वारा आपस में जो सोसाइटी है उसमें एक तरह से कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलता है, उसकी संख्या काफ़ी बढ़ रही है। डाटा ये दिया गया कि देखो 2010 में जो ऐसी मैगजीन्स है ना उनकी संख्या थी 54,000 और अभी इनकी संख्या देखी जाए रिसेंटली तो इनकी संख्या है 4,20,000, तो मतलब इनकी संख्या में भारी इजाफा हुआ है। उसके बारे में बाद में ये कहा गया कि वर्ल्ड की 35% जो ऐसी मैगजीन्स हैं वो इंडिया में ही पब्लिश होती हैं, उसके बारे में यहाँ पे है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी वगैरह के लिए ऐसी जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि तो हिंसा वगैरह जो चीज़ें फैलाती हैं उनसे क्या कि समाज है वो बढ़ जाता है और समाज में काफ़ी खाइयाँ वो बढ़ जाती हैं, इसके साथ ही फेक न्यूज़ और यहाँ पे जो हिंसक घटनाएं हैं उनको भी यहाँ पे गति है वो मिलती है। अब देखो यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट्स आप वो यूज कर सकते हो कि जैसे कोई भी आपके लिए बेसिक पॉइंट बताता हूँ कि अगर कहीं भी आप कोई न्यूज़ वगैरह देखते हो कभी भी, आपने जैसे कोई ट्विटर वगैरह पे देखा, फेसबुक वगैरह पे या सोशल साइट्स पे कहीं पे, तो आजकल सोशल वगैरह कहीं पे वहां पे भी 10 में से 8 न्यूज है वो फेक होती है। सीन ऐसा होता है कि मैक्सिमम न्यूज वो फेक ही चलती रहती है, तो लोग क्या करते हैं अपने धर्म या सेंटीमेंट थोड़ा क्या इमोशनल इशू समझते हुए क्या करते हैं, कोई भी जैसे कहीं भी किसी ने गाय की फोटो लगाई दी, किसी ने कुरान की फोटो लगाई दी, फाड़ती हुए कुछ भी फोटो लगा देते हैं और उस बात को बिना सोचे समझे वेरीफाई करते नहीं है कि क्रॉस चेक नहीं करते कि हाँ यार ये बात सही है नहीं है, और उस बात को लगातार फैलाते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या वो फेक न्यूज बन जाती है और फिर उस बात को हवा मिल जाती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी हमारे धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे बात धर्म का मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि भाई किसी भी आप दूसरे धर्म की अवहेलना है वो करो या किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करो। तो राइटर भी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो जो ऐसी मैगजीन है उनको बढ़ावा इसीलिए मिल रहा है कि हम कई बार क्या कि न्यूज को वेरीफाई नहीं करते हैं, क्रॉस चेक नहीं करते हैं, तो हमें क्या कि फेक न्यूज को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे हम कोई भी न्यूज देखते हैं हमें देखना चाहिए सेंसिटिव मुद्दा कि हाँ यार मुद्दा कैसा है, हो सकता है कि आपका दिमाग बैठे, तो आपको सबसे पहले क्रॉस चेक करना चाहिए कि हाँ यार न्यूज़ सही है नहीं है, उसके बाद आपको उस तरीके से स्टेप उठाने चाहिए, ऐसे जल्दबाजी में आनंद फानंद में जो न्यूज़ों को पब्लिश वगैरह शेयर है वो नहीं करना चाहिए। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे आज के आर्टिकल में हमने यहाँ पे डिस्कस किए, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या यहाँ पे डिस्कस किया है।
सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वो था सीरिया के बारे में आर्टिकल, तो उसके बारे में हमने पॉइंट देखे कि सीरिया की एक सिटी है गोटा, इस सिटी में देखा जाए तो जो एक तरीके से यहाँ पे हालात है वो खराब हो रखे हैं, ISIS का भी आतंक है वो बढ़ता जा रहा है, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन है वो बढ़ रहा है, चिल्ड्रन साइड की बात की जाए तो आजकल आप से जो मतलब मीडिया वगैरह पे सोशल साइट्स पे भी देख सकते हो कि किस तरीके से वहाँ पे चिल्ड्रन साइड्स हैं उनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है और बाकी सारी वर्ल्ड की कंट्रीज चुप बैठी है। यूएन वगैरह पहले तो बहुत बहुत बातें कर रहे थे बट अभी ये देखा जाए तो कुछ भी इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं आ रही है और चिल्ड्रन साइड को तो तरीके से दरकिनार है वो कर दिया गया है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया यूएसए में किस तरीके से शांति स्थापित करने के लिए तीनों में आपस में बातचीत की गई है और जो आगे स्टेप है उठाए जाने की बात की गई है, तो सारे हमने डिस्कस किए। इसके साथ ही हमने डिस्कस किया कि चाइना है उसका उसकी उसका साथ भी बहुत जरूरी है तभी वहां पर शांति बहाल की जा सकती है। इसी के साथ हमने देखा कि आंध्र प्रदेश है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात कर रहा है, मांगमा हर बार में लगातार मांग बढ़ा रहा था तो वो क्यों मांग कर रहा था वो सारे पॉइंट्स हमने आप ही डिस्कस किए थे। अगर जो आर्टिकल था वो था कि राइट टू इंडिविजुअल के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है और इंडिविजुअल के राइट हैं वो ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है उनको, फंडामेंटल राइट की बात है इसलिए कोई भी वयस्क होता है उसका उसकी खुद का अधिकार होता है वो किसके साथ शादी करनी है, राइट टू चॉइस उसकी खुद की मर्जी है तो इसलिए उसको लव जिहाद का जो एंगल था उससे हटाने की बात की गई थी इसमें। इसके बाद में जो अगला आर्टिकल था वो कम्युनलिज्म के बारे में था कि हमारे देश में किस तरीके से फेक न्यूज और जो कम्युनलिज्म की बातें वो लगातार बढ़ रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा ये कि हम चीजों को जो भी न्यूज होती है उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करते कि ये सही है या नहीं है, हम केवल धर्म के चक्कर में क्या कहते हैं उसको जल्दी से सेंटीमेंट्स के चक्कर में उसको फैला देते हैं शेयर करते हैं जिसकी वजह से काफी हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है वो, तो ये सारे पॉइंट्स थे। इसके साथ ही एक आर्टिकल था वो था यूथेनेशिया के बारे में, तो देखो यूथेनेशिया के बारे में हमने आर्टिकल है वो सैटरडे को डिस्कस किया काफी ब्रीफली से वो ही सारे पॉइंट्स है तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस वो नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।